वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत वन भूमि पर आश्रित होकर जीविका चला रहे। दावेदार को अधिकतम 10 एकड़ तक वन भूमि पर पट्टा दिए जाने का अधिकार है। गोड्डा जिला अंतर्गत सुंदर पहाड़ी प्रखंड में लगभग 11 गांवों के लोगों ने सामाजिक कार्यकर्ता सालोमी हंसदा द्वारा 2010 में ही वन पट्टा का दावा फॉर्म भरे थे। विभागीय लापरवाही के कारण लगभग 82 लोगों का वन पट्टा बनने के बाद भी दावेदारी को वन पट्टा प्राप्त करने से वंचित रखा गया है। आपके गांव में क्या समस्या है? हमारे यहाँ समस्या तो वन विभाग को लेकर 2015 में हुआ था, ये पट्टा के बारे के लिए पूरा सर्वे सब हुआ, तो हम लोग तो सब कुछ बता दिया। उस समय सब पट्टा सब पूरा नाप जोक करके पूरा ले गया 2015 में। इसके बाद अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं हुई है। आप इन लोगों का वन पट्टा के ऊपर में क्या जानते हैं? हम तो एनजीओ के तहत में बदला फाउंडेशन संस्था के तहत हम तो काम कर रहे हैं, और इन लोग का जो वन भूमि पर पहले से तीन पीढ़ी से बाप दादा से खेती करते आ रहा है, अपना आजीविका चला रहा है, तो हम लोग उन लोग को जागरूक करके अपना जमीन का दस्तावेज तैयार करके आवेदन डलवाए। 2015 में इस आवेदन को दिए थे, इतना भी डाले थे, सब लोग का पास हो चुका है, लिस्ट में भी हम लोग को मिला है, और अभी तक इन लोगों के हाथ में पट्टा कागज अभी तक नहीं दिया गया है। इस समस्या पर मैंने 13/5/2017 को एक इशू वीडियो बनाई थी। पट्टा मिलने के लिए आप लोग ने क्या क्या प्रयास किया? वीडियो वॉलेंटियर है, सो उसके साथ में मेरा संपर्क हो, उसको हमने अपना समस्या बताए और इसके विषय में एक वीडियो बनाई। मेरी मिसाल वीडियो बनने के बाद हम लोग को आवेदन भी तैयार किए अंचल के लिए भी और जिला कल्याण के लिए भी। भोजन का अधिकार संघर्ष मोर्चा एवं वीडियो वॉलेंटियर मेरी निशा हस्ता के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन किए, और जितना लाभुक दावेदार थे उन लोग इस प्रदर्शन में भाग लिया था। हम लोग अंचलाधिकारी के ऊपर में दबाव डाले कि हम लोग का पट्टा जल्दी से वितरण हो। दो माह के बाद जुलाई 2017 को 11 गांव के 82 लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे सुंदर पहाड़ी प्रखंड में लगभग 200 से अधिक वन पट्टा बांटा गया। सर, आपने कितने वन पट्टा का वितरण किए? अभी हम लोग को जिला से 2 माह पूर्व करीब 200 से ऊपर वन पट्टा उपलब्ध कराया था, वो सारे वन पट्टा संबंधित हम लोग लाभुक को हम लोग दे चुके हैं। 2 महीना के पहले आप लोग वन पट्टा क्यों नहीं बांटे थे? वो एक्चुअली जिला स्थापना में कुछ बटा था, क्योंकि बहुत सारे अंचल का था गोड्डा जिला का, तो वहाँ थोड़ा विलम्ब हुआ बनाने में, तो हम लोग को उपलब्ध कराया गया, उसके बाद तो तुरंत बंटवा दिया संबंधित कर्मचारी। उपलब्ध करने का प्रक्रिया क्या था सर? तो लाभुक संपर्क कर रहा था, उसी के आलोक में फिर हम लोग जिला से टेलीफोनिक बात करते थे, फिर वहाँ से भी प्राप्त हुआ, और कुछ एनजीओ वगैरह भी उसमें समाजसेवी भी हम लोग को सहयोग किया। पट्टा मिलकर आपको कैसे लग रही है? हमको बहुत ही खुश लग रहा है कि हम लोग बहुत दिन पहले अपना जमीन में चास सब करते थे, खेती बाड़ी करते थे, हम लोग सोच रहे थे कि सरकार ये जगह सब हड़प लेंगे, ऐसे तो नहीं हुआ, हम लोग को ये सारी जमीन मिल गई, इसलिए हम तो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बदलाव लाने में सहयोग देने वाले विभिन्न जन संगठन तथा अधिकारीगण को मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं मेरी निशा हंसदा, जिला गोड्डा, झारखंड के संताल परगना से, इंडिया अनहद के लिए।